हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज पुलकी शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने अपेक्षिक वेग के बारे में जाना था। अपेक्षिक वेग क्या होता है, जिसको हमने पढ़ा था, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। तो एक बात हमने बताई थी, किसी भी चीज के सापेक्ष अगर बात करते हैं, चाहे हम आपके सापेक्ष की बात कर रहे हैं, आप मेरे सापेक्ष की बात कर रहे हैं, वो अपेक्षिक वेग के अंदर आ जाएगा। कोई भी चीज हम मेजर करते हैं, मतलब मापते हैं, हम बोलते थे हम किसके अंदर करते हैं, निर्देश तंत्र के अंदर बात करते हैं। उसमें कुछ न्यूमेरिकल आपको करवाए थे, आपको बोला गया था कि आप जितने न्यूमेरिकल कवर करोगे उतने न्यूमेरिकल आपको क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट निकालते जाएंगे। अभी इस टॉपिक की बात नहीं है, सभी टॉपिक्स में ऐसा ही होता है। जितने टॉपिक्स में न्यूमेरिकल करोगे, जो हम करवाते हैं उसके अलावा भी करोगे, या कुछ प्रॉब्लम पूछोगे, तो आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिजिक्स बराबर में अगर बोलोगे न्यूमेरिकल्स, तो बोल सकते हैं, आराम से काम होना स्टार्ट होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक से पहले हम एक बात करेंगे जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था। कई बच्चों का हो गया है और कई बच्चों का रह रहा है। जो बच्चों का रह रहा है वो एक बार देखें, और जिन बच्चों ने कर लिया वो क्रॉस चेक करें। आपको मैं इसके ऊपर आपका कॉन्सेप्ट लगाना सिखा रहा हूं, वो कैसे लगता है। मैंने आपको ऐसे कल ये चीजें लिखवाई थी, जिन बच्चों को यहाँ कुछ यहां तक दिख रहा होगा, अपने को न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है, वो दिख रही है। इसमें लिखा है VPG, वेलोसिटी ऑफ पी का मतलब क्या बोला था, पुलिस की वैन का जो भी है गाड़ी थी उसका वेग वो कितना दिया था, 30 किलोमीटर पर आवर। और VTG का मतलब थीफ की जो गाड़ी थी उसका कितना था, 192 किलोमीटर पर आवर। VBP का मतलब था, VBP का मतलब था कि बुलेट जो है हमारी, बुलेट मतलब हमारी, मतलब जो गोली है वो पुलिस ने चलाई थी, उसकी स्पीड क्या थी, 150 मीटर पर सेकेंड, जिसको हमने चेंज कर लिया था किलोमीटर पर आवर। हमसे फाइंड क्या करा था, बुलेट का जो वेग है वो थीफ पर या कार पर कब जाके लगेगा, ये बात पूछी थी। अब मैंने आपको बताया था कि आपको मैंने तीन इक्वेशन दी हैं, इक्वेशन ही बोलेंगे इसको हम, या तीन सब कुछ भी बोल सकते हो, तीन वैल्यूज दी हैं। इन तीन वैल्यू से हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको एक बात ध्यान होनी चाहिए जी, एक चीज बताता हूं मैं, हमें क्या फाइंड करना है, VBT। अभी आपको मैं एक चीज का सार बताता हूं, वो क्या है, वो ये है कि हमें तीनों वैल्यू से काम करना स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर मैं इसका वैल्यू देखो, इसको हम थोड़ा सा एक बार हमारे रेफ में देखते हैं, तो VB माइनस VT लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, जैसे VA माइनस VB को लिखते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे VBG प्लस V, आप देखो इसको क्या लिखेंगे, VB माइनस VG अब प्लस VGT। समझ रहे हो मेरी बात, समझ लो, अप्रोच लगवाना सिखाएंगे, पहले ये समझो। अब देखो, अब इन दोनों को हम अगर खोलते हैं, तो क्या हमें ये मिलेगा, तो क्या लिखेंगे, VB माइनस VG प्लस VG माइनस VT। बात समझ रहे हो, कटाक कटाक आंसर आज, क्लियर बात, अच्छा ये बात हमें समझ आ गई। अब देखो जी, अगर हम मंजिल के पास पढ़ना स्टार्ट हो रहे हैं क्या, बिल्कुल सर हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, VGT की वैल्यू हमें मिल गई, VGT की वैल्यू हमें मिल गई। तो VGT की वैल्यू क्या है, VTG की वैल्यू पता है, VGT की नहीं पता। तो आओ, जो TG की वैल्यू है उसको अगर हम उल्टा लिख देंगे, उल्टा का मतलब ये नहीं कि दो आगे जाएंगे, उल्टे का मतलब ये है कि VTG बराबर में क्या होगा, माइनस VGT, बिकॉज VTG की डायरेक्शन ऐसे है तो VGT की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उसके ऑपोजिट हो जाएगी। अगर x में है तो इसकी क्या हो जाएगी, माइनस x में हो जाएगी। ये बात हमें समझ आ गई, ठीक बात, चलो वो तो बाद की कहानी बता देंगे, ठीक है। अब देखो जी, अब VBT, अब देखो अभी हमें V, हमारे पास VBG है, तो अगर मैं VBG को क्या लिखूं, VBG का मतलब क्या हो गया, VBG का मतलब हो गया, BG का मतलब हो गया VB माइनस VG, ये बात समझ रहे हो, इसका मतलब ये हो गया। अब देखो क्या लिखेंगे, VBP, ठीक है, प्लस VPG, ओए बड़ा हो गया, VPG प्लस VGT, समझो बात को, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ सर VP माइनस VP, इसका मतलब हुआ VP माइनस VG, खैचैक ये क्या आएगा, VB माइनस VG, VB माइनस VG हमें ही चाहिए था, काम बनना स्टार्ट हो गया। इरेज कर दे इसको भी, मतलब इसको इरेज कर दे, ताकि आपको मैंने जो समझाया वो समझ आ गया। अच्छा अब मेरा काम क्या, अब हमारा काम है सिर्फ मान पुट करना। VBP की वैल्यू पता है,
150 प्लस VBPG की वैल्यू पता है 30 किलोमीटर, VGT की वैल्यू क्या होगी 192 या -192? सर -192। अच्छा ये 150 थोड़ी था, ये कितना दिया है 540 है, क्योंकि 150 मीटर पर सेकंड है, हमने 540 किलोमीटर पर सेकंड में चेंज किया। अच्छा 540 और ये 30 कितना हो गया 580 -192, 10 में से 8 दोगे 8, ये कितना हो गया 18, 18 में से कितने जाएंगे 9 जाएंगे, तो कितना आएगा 18 में से 9 है 18, 580 यार घटाओ यार मेरे को से सिस्टम बैठता नहीं, 10 में से 8 गए, 10 में से 8 गए, 10 में से 2 गए 8, ये कितना आएगा 7, 17 में से 9 गए कितना बन जाएंगे 7 और 1 8, और 4 में से 1 गए 3, सही बोल रहा हूँ क्या, 17 में से 9 गए 7 और 1 8, 388 आ रहा है जी, 388 आएगा 378 आएगा, चल चेक कर लेना जितना भी आएगा यार, ठीक है 10 में से 2 गए 8, 7 बचे 1 हंसी थी, 17 में से 9 गए हाँ 7 और 1 8, ठीक है 388 कितना आ रहा है 388 मीटर सॉरी किलोमीटर पर आवर, ठीक है ये वैल्यू किसकी आ जाएगी VBT की आ जाएगी, ठीक है VBT की वैल्यू कितनी आएगी 388 किलोमीटर पर आवर, अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक बात 5/18 से क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है वापिस समझाना चाहूंगा VBP की वैल्यू कितनी है, कुछ गलत तो नहीं किया, ठीक है VBP को हम इसमें चेंज किया हमने, हमें देखो मेरी बात सुनो, एक बात समझ रहा ना हमेशा जिंदगी में कि हमें जो वैल्यू गिवन होगी ना जो तीन वैल्यूज उनको यूज करना है, उसके अलावा हमें यूज ही नहीं करना किसी को। अब देखो एक बात सोचो, अगर ये तीन वैल्यू के अलावा हम कोई वैल्यू लाएंगे तो कैसे लाएंगे राजे, तो अगर इनको लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन वैल्यू को इनमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मैं बोल रहा हूं ना कुछ गलती कर रहा हूं, 540 और 3 570 होता है, 570 हो गया तो ये कितना आएगा 10 में से 2 गए 8 और ये कितना होगा 6, 16 में से 9 गए कितना होगा 16 में से 9 गए 7 और 4 में से गए 378, जो चीज लगती है तो वो दिमाग में घूमती रहती है, ठीक है इसलिए घूम रही थी तो मेरे दिमाग में आती, ठीक है। अच्छा अभी हमें तीन चीजें जो पता है वही पता है, तो हमें इनको चीजों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने इन चीजों को बनाया। अब मेरी बात एक इसकी ट्रिक ध्यान रखना, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इसकी ट्रिक क्या होती है, ट्रिक ये होती है कि मान लो VBG दिया हुआ है, ठीक है ट्रिक तो नहीं बोल सकते कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, अब आपको VB चाहिए और एक चाहिए VG, ठीक है ये चाहिए, तो आपने क्या करना है इसकी फॉर्म में जो भी चीजें गिवन होंगी ना, मतलब जो हमें पता होंगी उनको देख लो। अब आप देखो VBG किससे मिलेगा आपको, एक तो इससे मिल सकता है और एक इससे मिल सकता है, क्योंकि इसमें भी जी है और इसमें भी जी है, सॉरी इसमें भी बी है और इसमें भी जी है, दोनों में है, तो अगर VP-VB करेंगे और VP-VG करेंगे तो एक अगर हम इसमें जी निकाल के इसको काट देंगे तो हमारा काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको जो फॉर्म दी होगी उस फॉर्म में आपने देखना है वो कैसे करना है, ठीक है बात। उसके बाद हमारा प्लस था ऑफिस गलत हो गया था, 540 प्लस 30 570 -192, 10 में से 2 गए 8, 16 में से 9 गए 7, 16 में से 9 गए 7 और 3 का, मैं जल्दबाजी करता हूँ जी, सरकार मेरा काम खराब हो जाता है, आप जल्दबाजी नहीं करोगे, ठीक है ये 378 किलोमीटर पर आर आया, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो कितना आएगा 5/18 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे इसको, ठीक बात। उतारना चाहोगे या मिटो देते हैं, उतारने की जरूरत नहीं है, आप इतना आपको आपको अप्रोच लगाना आना चाहिए, वो कई बच्चों ने जिनों बच्चों ने अप्रोच लगा दी तो बहुत अच्छा है, और जिनसे नहीं लगी वो बच्चे एक बार ध्यान दे और लास्ट लेक्चर को वापिस देखे, अगर कुछ दिक्कत आती है तो पूछ सकते हैं जी, किसी प्रकार की कोई परेशानी वाली बात नहीं है जी, ठीक है जी। चलो इसको बोर्ड को साफ करते हैं, इरेज करके फिर आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल इसलिए बताया है जी, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था, देखो एक से हमने कितने कॉन्सेप्ट निकाल दिए है ना, तो कितना बढ़िया काम हो गया। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया काम हो गया। अच्छा आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा पेन कहाँ गया, पेन हमारा ये ग्राफी है निरूपण। ग्राफी निरूपण क्या है, क्या सर हमें ग्राफ आते नहीं,
आते हैं जी, बाजार से लाते हो ग्राफ आप, वो ग्राफ नहीं है जी, वैसे ही ग्राफ है पर इनका हम निरूपण करेंगे। अब ग्राफ कितने टाइप के होते हैं? ग्राफ तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है स्थिति समय ग्राफ, दूसरा होता है वेग समय ग्राफ, तीसरा होता है त्वरण समय ग्राफ। देखो जी, तीनों के लिए हम जो पार्ट डिस्कस करेंगे उसको मैं आपको पहले बताता हूं। सबसे पहले मेरी बात समझ लो, जो चीज हमारे सिलेबस में है उसको हम कवर करेंगे, फालतू के नाटक नहीं करेंगे, ये भी आता है वो भी आता है, अच्छा पढ़ेंगे कम पढ़ेंगे पर ढंग का पढ़ेंगे, ठीक बात। ये भी बता दूं वो भी बता दूं, आपके दिमाग में पल्ले ही ना पड़े। तो हम पहले तीन चीजों की बात करेंगे, साथ साथ न्यूमेरिकल कवर कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक बात। अच्छा पहले मैं ग्राफ समझाता हूं आपको। सबसे पहले हम बोलेंगे रेस्ट वाले की बात करेंगे, मतलब स्थिर रुका हुआ। फिर हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म मतलब एक समान गति वाले। फिर हम बात करेंगे असमान मतलब नॉन यूनिफॉर्म, ठीक बात। अच्छा अब मेरी बात समझो जी, जो सबसे सबसे मेन बात है, आपको पता होना चाहिए कि जो स्थिति समय ग्राफ होगा, मतलब इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सटी ग्राफ, इसको हम बोलते हैं वीटी ग्राफ और इसको हम बोलते हैं एटी ग्राफ। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि ये ग्राफ बोलते किसको है, ठीक है। अब देखो इसकी तीनों कंडीशन चेक करेंगे, रेस्ट की, यूनिफॉर्म की और नॉन यूनिफॉर्म की। इसकी चेक करेंगे वेग समय के साथ की, यूनिफॉर्म की, नॉन यूनिफॉर्म की, त्वरण की, रेस्ट की। अब मेरी बात सुनो जी, सबसे पहले बात सोचनी स्टार्ट करो कि सर अगर हमने, जब इसको इरेज कर दूं, इरेज कर दूं, अच्छा इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसको कर रहा हूं, इसको भी कर रहा हूं एक बार। मैं आपको ना एक बार दो तीन चीजें रिमाइंड करवा रहा हूं, हमने पीछे पढ़ा क्या था, वैसे तो मैंने बताया हुआ है, फिर मैं इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको याद आ जाए कि हमने ये चीजें पढ़ी हुई है। ऐसा ना बोलो कि सर ने तो पढ़ा ही नहीं, ऐसा तो नहीं बोलते आप, मेरे को पता है। अच्छा अब देखो एक चीज, देखो अब हमने तीन चीजें पढ़नी है, यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म बोलूंगा तो समझ जाना एक समान, रेस्ट स्थिर वाली, और थर्ड नॉन यूनिफॉर्म। अब हम बात करेंगे जैसे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के लिए, अब हम बात करेंगे, अगर हम रेस्ट की बात कर रहे हैं, रेस्ट की बात कर रहे हैं तो पार्टिकल चल रहा है या नहीं चल रहा, सबसे पहली बात तो सर नहीं चल रहा, स्थिर खड़ा है, ठीक है स्थिर खड़ा है। दूसरी बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल चल रहा है या नहीं चल रहा, एक समान गति कर रहा है या नहीं कर रहा, कर रहा जी। तीसरा हम क्या पढ़ेंगे, तीसरा हम पढ़ेंगे असमान गति, जिसमें पार्टिकल समय के बाद क्या कर रहा है, चेंजेस, क्या कर रहा है, चेंजेस कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि स्थिति के अकॉर्डिंग, वेग के अकॉर्डिंग और त्वरण के अकॉर्डिंग हमने क्या क्या काम करने हैं, ठीक बात। वापिस बोल रहा हूं, स्थिति के अकॉर्डिंग, वेग के अकॉर्डिंग और समय त्वरण के अकॉर्डिंग हमने क्या क्या काम करने हैं। तो पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो कौन सा होगा, स्थिति समय ग्राफ। उसके लिए पहले स्थिति क्या होगी, पहले स्थिर अवस्था के लिए, फिर यूनिफॉर्म के लिए और थर्ड किसके लिए, किसके लिए, असमान के लिए। तो पहला हम जो याद करेंगे वो किसकी है, स्थिति समय ग्राफ, ठीक है। पहला जो आएगा वो आएगा स्थिर मतलब रेस्ट के लिए, ठीक बात। रेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, ये आएगी आपकी स्थिति, ये आपका समय जिसको हम बोलेंगे टी, ठीक है। अब स्थिति के लिए क्या है, स्थिति स्थिर रखनी है, रेस्ट पे है, आप किसी भी कंडीशन पे चेक कर लो स्थिति क्या है, स्थिर है, ठीक बात। अच्छा उसके बाद हमने क्या बोला, इसमें क्या बोला, इसमें दो तीन चीजें और लिख पाऊंगा, पहले हम क्या लिखते हैं, एक समान की बात करते हैं,
एक समान ठीक है गति के लिए, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम कैसे बनाएंगे ये क्या सही है? ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे स्थिति समय ग्राफ आप इसको बनाओ, फिर देखिए दो दो चीजें मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या चीजें करनी है। ये एक समान गति के लिए, आप ये क्या होगा रेस्ट के लिए, ठीक बात। इट इज ओ सॉरी उतारो इसको, फिर मैं इसकी एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, ठीक है जी। जल्दी बताओ, उतार लिया। अच्छा अब मैं इसमें एक छोटी छोटी बात बताऊंगा आपको, वो क्या है। अब इसमें मैंने क्या बोला है, स्थिति क्या है, स्थिर है, तो हम बोलेंगे एक्स जो है वो क्या है कॉन्स्टेंट है, और जो वेलोसिटी है वेग क्या है शून्य है, वेग क्या है शून्य है, ठीक बात। अच्छा इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो वेलोसिटी है वो क्या है स्थिर है मतलब कांस्टेंट है, और त्वरण है जो वो क्या है शून्य है। ये आपने बड़े आराम से बड़े तरीके से और बड़े समझ के लिखना है। अब मैं आपको समझाता हूं जी कैसे। सर आपको एक बात तो हमें समझ आ गई कि एक समान गति हो रही है तो स्थिति जो है वो चेंज हो रही है, स्थिति क्या हो रही है चेंज हो रही है। अब बताता हूं, यहां पर रामू श्यामू टामू सब बैठे हैं, ठीक है। यहां रामू था, इसका टामू के पास गया, फिर श्यामू के पास गया, फिर लामू के पास गया, समय क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ठीक बात। यहां देखो रामू बैठा है, यहां पर रामू के साथ चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, स्थिति क्या है कॉन्स्टेंट है, स्थिति क्या है कॉन्स्टेंट है, ठीक बात। ये बात समझ आ रही है। इसमें पहले वाले में वेलोसिटी क्या है जीरो है शून्य है, और सेकंड वाले में वेलोसिटी क्या है स्थिर है, ये बात थोड़ा ध्यान रखना जी, याद रखना जी, ठीक बात। इरेज कर दे, वापिस बोलना चाहूंगा त्वरण शून्य है, त्वरण क्या है एक समान गति के लिए त्वरण का मान शून्य होता है, आपको मैंने बताया था एक समान गति एक समान वेग एक समान त्वरण, है ना, याद है क्या बोलिए, याद है। तात्क्षणिक वेग औसत वेग बराबर होता है, याद है ना, बोला था ना एक लाइन में मतलब निकलेगा और आगे मतलब समझ आएगा, समझ आ गया। अच्छा इरेज कर दे, अच्छा इरेज कर दे, इरेज कर दे, आओ। थर्ड हमारा जो है वो है असमान स्थिति के लिए, असमान सीधा असमान देखो, असमान। अब देखो जी प्यारे बच्चों अच्छे बच्चों, अच्छा ऐसे बना दूं, अच्छा ऐसे बना दूं, तंग नहीं हो ना, परेशान नहीं हो ना, दिख रहा है क्या ये वाला थर्ड वाला फ्रेम में तो आ रहा है ना। अच्छा देखो जी इसमें इसमें ना तो वेलोसिटी जीरो रहेगी और ना ही एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, मतलब कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। समय के साथ की बात करते हैं हमेशा, जब भी बात करते हैं उसके अलावा बात नहीं करते। असमान का मतलब होता है कि समान इंटरवल ऑफ टाइम में जो हमने दूरी तय की है वो अगले टाइम में सेम नहीं होगी, वो क्या होगी असमान की बात करेगा। अगर मैं बोल दूं असमान और समान में इतना फर्क है कि समय साथ होगा और दूरी भी साथ बराबर होगी, तो फर्क असमान और समान में क्या रहेगा कि अगर हम टाइम चेंज कर रहे हैं उसमें दूरी चेंज हो रही है, दूरी चेंज कर रहे हैं तो टाइम चेंज हो रहा है, तो ये क्या है असमान है, मतलब डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, समझ बात आ रही है। हाँ तो हमने क्या बोला, पहले कुछ चला फिर भिंगा टेढ़ा होने लग गया,
यहां से तो स्टार्टिंग से ही टेढ़ा था, ये फिर सर ने एकदम मूवमेंट ले ली और टेढ़ा हो गया। तो ये क्या है, हमारा स्थिति समय ग्राफ। पहले कंडीशन में हमने क्या लिया था, जब पोजीशन कांस्टेंट होती है और वेलोसिटी क्या होती है, शून्य होती है। दूसरा हमने लिया था वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और एक्सेलेरेशन जीरो होता है। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलेरेशन जीरो होगा, और हमने बात की हुई है एक्स मान के लिए, हमने बात की थी कि एक्सेलेरेशन वैसे शून्य रहते हैं। थर्ड में हम बोलते हैं कि ऐसा मान है तो वेलोसिटी भी जीरो, एक्सेलेरेशन भी जीरो। वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, तो मतलब क्या है, वो ऐसा मान गति से चल रहा है, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, उसका कोई फिक्स वेग नहीं है, कभी इतना कभी इतना कभी इतना इतना इतना, कभी 30 40 50 60 70 नंबर ऐसे। तो एक्सेलेरेशन अपने आप क्या होगा, कभी त्वरित होगा कभी मंदित होगा, त्वरित होगा मंदित होगा, त्वरित होगा मंदित होगा। बात समझ लो, उतारना चाहोगे उतारो जी। उतार लिया, इरेज कर दें। अच्छा अगला जो हमारा है वो है, अगला जो हमारा है वो है वेग समय ग्राफ। अब देखो मेरी बात, सुनो मेरी बात, रेस्ट स्थिर फिर एक समान फिर असमान फिर कुछ नहीं सर, नॉन यूनिफॉर्म। ये क्या आएगा, यूनिफॉर्म, और ये क्या आएगा, अरेस्ट। तीन स्थितियां बात कर रहे हैं जी। अच्छा स्थिर का मतलब हो गया वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी यहां आएगी, टाइम यह आएगा, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं, वेग समय ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो वेग कहां आएगा, यहां आएगा, और समय कहां आएगा, यहां आएगा। तो वेग जीरो है तो कहां बनेगा, टाइम के ऊपर ही आ जाएगा, वेग क्या है जीरो। एक बात, अच्छा एक समान का मतलब क्या होता है, वेग जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्या है, वेग समय स्थिर है ना। मान लो यहां पे आपकी स्पीड वेग है जो 25 मीटर पर सेकंड है, तो 25 ही चल रहा है ना, स्थिर है ना। एक समान का मतलब क्या है, एक समान स्थिर है वेग। बात समझ आ रही है ना, स्थिति और फर्क समझ आ रहा है, समझ आ रहा है सर। अच्छा असमान अगर बोलो तो बताऊं, नहीं तो जगह बच जाए। चलो मैं बता देता हूं, दिख तो रहा है ना आपको, मैं कोसी है दिखे से। असमान का अगर मैं ऐसे बोलता हूं तो क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है सर? सही तो नहीं लग रहा, पर अगर आप ऐसा बोलो कि असमान ग्राफ है पर इसमें जो त्वरण है वो क्या है, कांस्टेंट है। वापिस बोलना चाह रहे हैं, ये जो ग्राफ है वो क्या है, a बराबर में क्या होता है, v टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, ये बात मानते हो? तो हम लिखेंगे कि असमान गति क्या, कांस्टेंट त्वरण के साथ। ठीक बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, ऐसा लिख सकते हो। अगर नहीं समझ आती कोई चक्कर वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है। अगला समझा देते हैं, उसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, सेकंड वाला आ जाएगा ये वाला, और थर्ड वाला लिखना चाहोगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, परेशानी वाली बात थोड़ी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से नहीं कर रहे। वापिस बोल रहे हैं ए बराबर है वीटू माइनस वीटू अपॉन टी टू माइनस टी वन, ठीक है, उसमें बोल रहा है असमान गति की बात कर रहा है, v2 और v1 क्या होंगे,
चेंज होते रहेंगे। ये कैसे आया सर मैं आपको बताऊंगा, इसको एक मिनट के लिए पॉज करके छोड़ दो, आप ऐसे इसको छोड़ दो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं बताऊंगा आपको। क्यों बताऊंगा? क्योंकि जो त्वरण होता है, त्वरण होता है उसके लिए हम क्या बोलेंगे, त्वरण के लिए क्या बोलेंगे, वेग में परिवर्तन अपॉन समय जितना लिया गया है। तो वेग में परिवर्तन हमने क्या किया है, असमान गति बोली है, असमान गति बोली है पर कांस्टेंट त्वरण के साथ। अब देखो जी, वेग में परिवर्तन स्टार्टिंग में कुछ था पर बाद में कुछ और हो गया, तो ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं। और अगर नहीं समझ आ रहा तो इरेज कर देता हूं, ये दोनों उतारो, इसका जो ग्राफ है एक बार देख लो, ये देख लो, पर इसका जो ग्राफ है वो मैं आपको अभी दो मिनट में वापस बताऊंगा इस एक्सप्लेनेशन से, जो उसका ढाल आएगा, ढाल स्लोप, वो इसके एक्सप्लेनेशन से बताऊंगा। उतारना चाह रहे हो तो उतार सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को आप करोगे, मैं थोड़ा सा बता दूं जल्दी में ताकि आपको समझ या खुद से ट्राई करके देखो, ठीक है। उतारो जी, उतार लिया, आज इरेज कर दे, ठीक है जी। अभी जो थर्ड वाला है एक्सेलरेशन समय ग्राफ, वो आप ट्राई करना जी, नहीं आएगा तो हम बैठे हैं करवाने के लिए, पर ट्राई करना आपका कम है जी। पहला उसका ग्राफ रेस्ट का बनेगा नहीं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का बनेगा, वो बना के देखना चाहिए, ठीक है। रेस्ट का नहीं बनेगा, बोल दिया आपको, ठीक है। हाँ, अब देखो जी, जो स्थिति समय ग्राफ होता है, मान लो स्थिति समय ग्राफ की बात करते हैं, ये समय है, ये स्थिति है, मान लो ये कोई ग्राफ खींचा, तो ये होगी x1 स्थिति और ये होगी x2 स्थिति, ठीक बात। अगर मैं इसके बीच में ये थीटा एंगल है तो इसको क्या बोलूंगा, x2 माइनस x1, और इसको क्या बोलूंगा, t2 माइनस t1। तो अभी हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अभी हम ये बोलना चाह रहे हैं जो ये ढाल आता है, ये ढाल आता है वो क्या बता रहा है, वो क्या बता रहा है, वेग को शो कर रहा है। वेग के लिए हम क्या बोलेंगे, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अगर ऐसा नहीं समझना चाह रहे तो क्या बोलेंगे यार, ऐसा नहीं समझना चाह रहे तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा लाल बटा कक्का मतलब लंबटा आधा, तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो इसको क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ मतलब ढाल, ढाल क्या आ रहा है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, मोटी मोटी बात बोले। और डेल्टा x अपॉन डेल्टा t क्या बोलते हैं, हम वेग ही तो बोलते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, स्थिति समय की ग्राफ की जो बात करते हैं वो हमें क्या प्रदर्शित करता है, वो हमें वेग को प्रदर्शित करता है, समझ आ गई बात। इरेज कर दे या लिखना चाहोगे, एक मिनट का समय लिखो जल्दी, दिख रहा है सभी, आराम से पॉज करके लिख सकते हो, ठीक। अच्छा, अभी सेकंड क्या है, सेकंड जो है हमारा वेग समय ग्राफ जो है उसमें चेक करते हैं। देखो यहां पे वेग आएगा, उसको हम लिखेंगे v1 t1 t2 थीटा, तो यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ये थीटा है, त्रिभुज बन गया, तो tan थीटा क्या बनेगा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, तो ये इसका स्लोप बन गया, ढाल बन गया। तो ढाल के लिए हम क्या बात करेंगे, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, मोटी मोटी बात बोले तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन आपको बात करें तो क्या बोलते हैं, त्वरण, तो क्या बोलेंगे, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर हमें जो v और t का जो रिजल्टेंट होता है, परिमाण होता है, वो क्या बताता है, त्वरण को बताता है। बात समझ आ गई, कभी भी कोई कुछ पूछ ले,
क्वेश्चन में वाइवा में पूछ ले कि स्थिति समय ग्राफ हमें क्या बताता है, तो स्थिति समय ग्राफ हमें बताता है वेग को, और वेग और समय ग्राफ हमें क्या बताता है, वो बताता है हमारे त्वरण को। बात समझ आई, दोनों बातों में फर्क है, ध्यान रखना जी। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर भी लिखते हैं और डीवी अपॉन डी टी भी लिखते हैं। बात याद है क्या, दो बार अवकलित एक बार अवकलित, याद है, भूल जाना चाहिए इसको, बहुत अच्छा बात होता है, ठीक है। और अगर v की बात करते हैं तो एक बार अवकलन करना पड़ता है, किसका 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 सर, स्थिति का, किसका स्थिति का, ओ यस स्थिति का, क्लियर बात। तो मेरे हिसाब से आज का जो लेक्चर है आपको समझ आया होगा, और उम्मीद करते हैं आप इसको ढंग से पढ़ा होगा, आप पढ़ोगे, इरेज कर रहा हूं उसको ना, इरेज कर रहा हूं, इरेज कर दिया सर, हाँ जी कर दिया। देखो जी, अभी जितने भी बच्चे हैं जो लेक्चर्स को देखते हैं उनसे ये उम्मीद करता हूं कि वो लेक्चर को प्रॉपर देखते होंगे, और सबसे पहली जो मेन बात है वो ये बात है कि अगर आप लेक्चर को देखते हैं तो लेक्चर को बीच में आधा मत छोड़ा करें, प्रॉपर देखा करें, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं जो बातें पुरानी करी हैं वो बातें अभी काम आ रही हैं, ठीक है। तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, आराम से चिल होके आराम से पढ़े करें, आपके पास समय है तो आराम से पढ़े, जो आप 15 घंटा में पढ़ना चाह रहे हैं वो आप 3 घंटे में कवर कर सकते हैं, अगर आप 15 घंटे किताब के आगे रख के बगैर 3 घंटे कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं, तो अराउंड 30-35 मिनट का जो लेक्चर होता है उसको आराम से देखा करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो अगर वो देखेंगे आपका बराबर में कोर्स कंप्लीट हो रहा है, तो जो भी आपको प्रॉब्लम आता है वो पूछा करें, किसी भी प्रकार का पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, हम बताएंगे आपको। तो आराम से चिल होके पढ़े, और किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो पूछे करें, इंस्टाग्राम पे बोल सकते हैं, व्हाट्सएप पे बोल सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा होगा मोस्ट प्रोबेबली रिवर सॉरी वर्षा वाला, वर्षा और मैन प्रॉब्लम, मतलब रेन मैन प्रॉब्लम, जब हम छाता लेके जा रहे हैं, ऐसे करें छाता, ऐसे करें, ऐसे करें, वो हम करेंगे कल, उस पर न्यूमेरिकल ही करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल से ही बनते हैं, तो कॉन्सेप्ट बताने के बजाय उसके जो न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट बनेंगे वो कभी भूलोगे नहीं आप, तो है एक्चुअली उसमें न्यूमेरिकल। फिर वर्षा वाला देखेंगे, फिर हम देखेंगे रेन व रिवर वाला, नदी वाला, उन दोनों का हम बता देंगे डाउट, जो भी क्लियर हो जाए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो दो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव वेलोसिटी भी अपेक्षित वेग पे निर्भर करते हैं, वो भी मतलब उसके ही पार्ट मान सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर समझ आया होगा, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अपने अपने अच्छे अच्छे फीडबैक दें, जैसा आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है हमें बताएं, ताकि हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करें, और बच्चा लोग आपके लिए हम जितना प्रयास कर रहे हैं आप उतना प्रयास करो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा लगता भी है जो बच्चा अपना फीडबैक देता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।